सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। डाल्टनगंज में पहली बार सेकेंड होम ग्रोसरी मार्ट, जहां एक ही छत के नीचे सारा सामान उपलब्ध है। साप्ताहिक खरीदारी पर विशेष छूट, यहां 50% तक छूट की व्यवस्था। धनबाद में छात्राओं पर बर्बरता पूर्वक हुए लाठी चार्ज पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज सिंह ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार गुंगी व बहरी है, इससे किसी तरह की उम्मीद करना बेईमानी होगी। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में महिला सुरक्षित नहीं है, उग्रवाद फिर से पनपने लगा है, युवाओं को रोजगार देने के झूठे आश्वासन से गद्दी पर बैठी सरकार अब राज्य के युवाओं पर ही लाठी व डंडा बरसा रही है। इस सरकार ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। राज्य की जनता सब कुछ देख रही है, समय आने पर इसका जवाब यहाँ की जनता जरूर देगी। देखिए, जब ये सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में और कांग्रेस के साथ जब ये सरकार झारखंड में बनी तो ये छलावे की सरकार थी। इस सरकार ने जिन वादों को लेकर के जनता के बीच में ये चुनाव पूर्व जब गए, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान, डेवलपमेंट, इन सारे मुद्दों को लेकर के इन्होंने यहाँ की भोली भाली जनता को बरगलाने का काम किया था। और जिन बात को लेकर के ये सरकार में आए, आज यहाँ की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि ना तो यहाँ पर युवाओं को रोज़गार मिला, ना तो महिलाओं को सम्मान मिला। अब जो घटनाएं धनबाद में जिस प्रकार से उपायुक्त कार्यालय में घटी, अपने हक और अधिकार की बात करने की पूरी आज़ादी इस देश में प्रत्येक नागरिक को है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, और हक और अधिकार की बात करने में बर्बरता पूर्वक महिलाओं को पुरुषों के द्वारा, पुरुष पदाधिकारियों के द्वारा पीटा जाना, सीढ़ी पर से ढकेल दिया जाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। सब क्या लगता है कि देखिए, कोई मामला ही नहीं बनता है इस सरकार में, इस सरकार से उम्मीद करना भी कि किसी भी स्तर पर कोई सम्मान की बात हो। यहाँ जनता सुरक्षित नहीं है, यहाँ के आदिवासी सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। कई घटनाएं घटित हुई हैं, उसी में एक कड़ी और कल जुड़ गया, धनबाद की घटना। मंत्री से मिलने जाना, मंत्री से अपनी बात को कहना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि मंत्री जी को स्वयं जा कर के उन महिला बहनों की बातों को, उनकी करुणा को सुननी चाहिए थी। ये बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज कर देना, पीट देना, ये कोई घटना नहीं है। साहब, आप आरोप लगाते थे सहिया पर, माननीय रघुवर दास जी पर, सहियाओं पर लाठी चार्ज किया गया, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। आप छलावा कर रहे थे, आप दिखावा कर रहे थे, और आप घटना के अंजाम दे रहे हैं, तो इसके लिए आखिर कौन उत्तरदायित्व होगा? कोई है जवाबदेही और जिम्मेवारी लेने वाला इस सरकार में? कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ये गूंगी और बहरी सरकार है। आराम से बिना बोले, बिना जनता की बात सुने ये सरकार चल रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात आप सबको ही जानते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है, एक भी ऐसा दिन समाचार पत्र, आपके मीडिया, जिसमें यह नहीं आता हो कि इसमें कोई स्थानांतरण और पदस्थापन न हो। ये तो प्रत्येक दिन चलता है, भरपूर चल रहा है। तो आपको ये पता है कि ये सरकार में इसको इंडस्ट्रीज़ के रूप में लिया जा रहा है, ये एक उद्योग का दर्जा इसको झारखंड सरकार ने दिया है, मान्यता प्राप्त उद्योग, इंडस्ट्रीज, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग। प्रत्येक दिन IAS IPS अधिकारी, पदाधिकारी, SPs DCs, कई लोगों की पर डे ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहे हैं, डॉक्टर्स।
इंजीनियर्स, आखिर क्यों? हमारी सरकार भी थी, माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में 5 वर्षों में एक एक जगह पर 4-4 साल 5-5 साल पदाधिकारियों ने काम किया और तन्मयता के साथ काम किया है लोगों ने, तब तो इस झारखंड का सर्वांगीण विकास हुआ है हमारे 5 वर्षों की सरकार में। सड़कें बनी, उग्रवाद की घटनाएं घटी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस कायम हुआ, कई बातें हुई हैं, आप भी देख रहे थे। आज सड़कों की हालात देखिए क्या है, आप चले जाइए यहाँ से रांची, आप चले जाइए पाकी रोड, जिन सड़कों पर गाड़ियाँ 2-3 घंटे की सफ़र करती थी, अब तो 5-5 घंटे लगते हैं, एम्बुलेंस में ही रोगी दम तोड़ दे रहा है सड़कों के अभाव में। देखिए, मांग करना इस सरकार से न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले कहा कि गूंगी और बहरी सरकार है, मैं बोलूँगा वो सुनेंगे नहीं, जुबान है नहीं वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है। उम्मीद मांगा जाता है उससे जहाँ उम्मीद होता है, उम्मीद होने पर ही मांग किया जा सकता है, यहाँ कोई उम्मीद ही नहीं है और जनता भी जानती है और जनता भी अब तो दिन गिन रही है कि कब तक ये सरकार है, हम लोग किसी भी तरह से इसको झेल लेंगे, इसको किसी तरह से टाल देंगे। आप भी एक यहाँ के बहुत ही जागृत चैनल के रूप में सिटी न्यूज़ को जाना जाता है और जैसे कहते हैं ना कि खबरों की तह तक, ग्रामीण परिवेश हो, शहरी परिवेश हो, कई जगहों पर मैं आपके सारे कार्यक्रम्स को, सारी रिपोर्टिंग्स को देखता हूँ। आप गांव में जाकर के देखे होंगे, आज आपको भी रामगढ़, भंडरिया, बड़गढ़, जो डालडेन विधानसभा का क्षेत्र छोड़िए, इधर हरिहरगंज, पिपरा, उधर गढ़वा में कांडी, मझियाँव, उधर कहीं भी आप चले जाइए, भवनाथपुर, आप लातेहार के तो बात तो ही छोड़ दीजिए, लातेहार जिला का, और पूरे राज्य में उग्रवादियों का आज जो स्थिति आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है। इसलिए कोई भी बात मैं आपको कह रहा हूँ, एक जागृत और सशक्त मीडिया चैनल में मैं आज बैठ कर के ये बात कह रहा हूँ और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, सरकार को चेतना चाहिए, सरकार को जनता के प्रति एक जिम्मेवारी और जवाबदेह सरकार की भूमिका निभानी चाहिए थी, जो ये जो पिछले 1.5 वर्षों का कार्यकाल, 1.5 वर्षों नहीं, 1.5-2 वर्षों का कार्यकाल में संपूर्णतः हेमंत सोरेन जी की सरकार विफल है और हम आपके माध्यम से यहाँ की जनता को ही बताना चाहते हैं कि कभी भी किसी भी बात को लेकर के कभी छलावे में आने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी वादा अगर आदमी कार्य करता है, कोई भी सरकार काम करती है, तो उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उसको डेमोरलाइज करना चाहिए। माननीय रघुवर जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस राज्य में बहुत ही अच्छा काम किया, हर विषय पर, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे वह शिक्षा का मामला हो, चिकित्सा का मामला हो, हर विषयों पर बहुत ही सुचिता के साथ जिस प्रकार से हमारी सरकार ने कार्य किया, आज 2-2.5 वर्षों में वह सारा कुछ मटिया मेट होते नज़र आ रहा है।